10 अक्टूबर 2021 को गाजियाबाद के लौनी विधानसभा में विधायक प्रत्याशी श्री अमित प्रजापति के नेतृत्व में हिंदू रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष पिंकी चौधरी का भव्य स्वागत किया गया और लौनी विधानसभा मजबूती से लड़ने के लिए सभी कार्यकर्ताओं ने संकल्प लिया तथा ऊर्जा के साथ कार्य करने का मन बनाया। इसी दौरान हिंदू रक्षा दल के कई कार्यकर्ताओं को नियुक्ति पत्र देकर पत्र की घोषणा की गई, जिसमें श्रवण चंदेल प्रदेश प्रमुख, संजीव जंगाला क्षेत्रीय अध्यक्ष, भल्ला गुर्जर दीपक जिला अध्यक्ष, सुमित सूद जिला संयोजक और बंटी चंदेल जिला प्रमुख को बनाया गया। स्वागत समारोह में आए सभी लौनी विधानसभा के सम्मानित साथियों और सम्मानित व्यक्तियों ने लौनी विधानसभा विधायक प्रत्याशी श्री अमित प्रजापति को विधानसभा में चुनाव लड़ने के लिए आग्रह किया और कहा कि विधायक प्रत्याशी अमित प्रजापति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हम साथ रहेंगे। पिंकी चौधरी ने अपनी वाणी में कहा कि जब तक मेरा जीवन है मैं हिंदुओं के प्रति खड़ा हूं और लड़ता रहूंगा, चाहे मुझ पर कितने भी मुकदमे लग जाएं और चाहे कितनी बार जेल जाना पड़े, परंतु किसी हिंदू की आवाज़ दबने नहीं दूंगा और किसी हिंदू के साथ गलत नहीं होने दूंगा। और कहा कि हमारे विधायक प्रत्याशी श्री अमित प्रजापति को एक बार विधानसभा में जाने का अवसर मिल गया तो पूरे उत्तर प्रदेश को छोड़ो पूरे भारत में कहीं भी हिंदुओं के साथ अन्याय बर्दाश्त नहीं करूंगा। आए तो हिंदू रक्षा दल का कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। फायदा तब जब कोई भी भाई भी धर्मियों से लड़ते हुए उसे हिंदू रक्षा दल ताकत दे पाए, वही हिंदू रक्षा दल का उद्देश्य है। हमारे हिंदू परिवार ताकत के साथ रहे, हमारी बहन बेटियां ताकत के साथ अपने घर से निकले और उसे कोई भी धर्मी, कोई लव जिहाद नहीं होना चाहिए, कोई लैंड जिहाद नहीं होना चाहिए। और जिस तरीके से आज कश्मीर को हिंदू विहीन करने की जो जिहादियों की और आतंकवादियों की जो मंशा है वो खत्म होनी चाहिए, वो समाप्त होनी चाहिए। मैं चाहता हूं कि हिंदू रक्षा दल वहां भी जाकर काम करेगा। इतनी ताकत आप सब भाइयों की होनी चाहिए। आज क्या परिस्थितियां हैं, न्यूज चैनल वाले तो दिखा रहे हैं लेकिन किसी की हिम्मत अपने हिंदू भाइयों के लिए, सिख भाइयों के लिए बोलने की नहीं है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।